नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपिन है। मैं आप सभी को आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणेश जी के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी, तो आज मैं आपको याददाश्त के बारे में ही कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। याददाश्त में हम देखते हैं कि दो तरह की चीज़ें सामने आती हैं। एक तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें याददाश्त कम होती जाती है, और एक कुछ यंग लोग जो होते हैं उनमें भी याददाश्त की समस्या सामने आती है। तो ये दो बड़े ग्रुप हैं, एक ओल्ड एज वालों का, एक जो थोड़ा एज कम है, रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप। तो ओल्ड एज में जो याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, आमतौर पर वो लंबे टाइम बीपी रहने से या फिर शुगर का ध्यान नहीं रखें तो होती है, या फिर दिमागी सिकुड़न जिसको हम डेमेंशिया कहते हैं, उस बीमारी से भी याददाश्त की समस्या होती है। ये ओल्ड एज में होती है। यंग एज में आमतौर पे बीपी या शुगर इन चीज़ों की समस्या नहीं होती, पर बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी याददाश्त कम हो गई है। उसका कारण मुख्य तौर पर पूरी तरह से नींद नहीं लेना, रात में कम से कम 7 घंटे की जो नींद है वो अनइंटरप्टेड स्लीप जिसको हम कहते हैं, बिना व्यवधान के 7 घंटे की नींद नहीं ले पाना, या फिर दिमागी तनाव में रहना, गैजेट्स का ज़्यादा प्रयोग करना, मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों से जो यंग एज में याददाश्त की समस्या आती है वो इन चीज़ों से आती है। तो ये जो दो ग्रुप हैं उनमें हम अलग अलग तरीके से जो याददाश्त की प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं। जैसे जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो वो अपना बीपी और शुगर का ध्यान रखें, दिमागी रूप से एक्टिव रहना, दिमाग किताबें पढ़ना, कुछ ऐसी गतिविधि करना जिसमें दिमाग का उसका एक्सरसाइज हो, तो वो चीज़ें कर सकते हैं। यंग एज में मैं यही कहूँगा कि पूरी नींद लें, प्रॉपर स्लीप जिसको हम कहते हैं, रात में कम से कम 7 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस का लेवल कम रखें, फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, स्क्रीन टाइम जो हम कहते हैं वो जितना कम हो सके वो रखना, तो इन चीज़ों का अगर पालन करेंगे तो याददाश्त का काफ़ी सुधार होगा और गणेश जी की तरह फिर याददाश्त में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा।